हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर ऑफ स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पर प्री मार्केट और वीकली बेसिस पर वीकली एनालिसिस अपडेट करता हूं, जिससे कि अगले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए, किस तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए, मार्केट का सेंटिमेंट क्या रहना चाहिए, वो सब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। और उसके साथ साथ लाइव मार्केट में जो भी अपडेट्स मुझे होती है वो मैं अपडेट देता हूँ। प्लस इसके अलावा अगर मुझे कोई अच्छी पॉजिटिव दिखाई देती है तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसका बेनिफिट आप उठा सकते हो अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। प्लस अपना नॉलेज इस्तेमाल करके अगर आप कुछ इसमें ट्रेड करोगे तो आप कुछ पॉजिटिव आउटकम निकाल सकते हो। तो इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, इसके लिंक मैंने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखी है। और अगर आपको ना भी मिले, काम ना कर रही हो लिंक, तो आप सिंपली टेलीग्राम पर जाइए, स्टॉकिया इन्वेस्ट सर्च करिए और वहां पर जाकर के आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं कल के लिए। और बट उसके पहले आज के लिए हमने क्या प्लान करा था, हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा सेलिंग का प्लान था इसके नीचे, जो कि नहीं हुआ, और गैप अप ओपनिंग हमारा एक्सपेक्टेड थी। मैंने यहाँ पे आपसे अपडेट सीधे सीधे बोल दी थी भाई एक दिन पहले ही। कहाँ गया ओके, यहाँ पे देखिए, वन कैन कैरी कॉल गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्टिंग टुमारो, मतलब आज के लिए। कल मैंने 3:21 पे मैसेज किया था कि आज के लिए गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्टेड है। तो आज मार्केट गैप अप के साथ ओपन हुआ, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों। ओके, और गैप अप के साथ ओपन भी हुआ और ऊपर ही रहा थोड़ा सा साइडवाइज होने के बाद, उसके बाद फिर अगेन मूव आया। ओके, तो ये हमारा जो एक उस दिन की प्रेडिक्शन थी सही गए। अब इसके साथ साथ आज के लिए हमने क्या प्रेडिक्ट किया था, तो आज के लिए हमने प्लानिंग करी थी इसके नीचे सेल करेंगे और हम बाई करेंगे उसके ऊपर। मतलब यहाँ पे जब हम हमारा एक दिन ये मतलब ब्रेकआउट होगा, ऊपर जाएगी, गैप अप ओपन होगा, फिर उसके बाद नीचे जाएगा, फिर जब इसका ब्रेकआउट होगा तब हम बाई करेंगे। तो आपकी एंट्री यहाँ पे ट्रिगर हुई ऑलमोस्ट 17,080 के आसपास और ऊपर गई तो आपका 128, मतलब ऊपर 40 पॉइंट का 30 पॉइंट का समथिंग टारगेट मिला, ये छोटा सा टारगेट मिला। बट बैंक निफ्टी में भी सेम यही प्लानिंग थी, बैंक निफ्टी में आपको अच्छा खासा टारगेट मिला होगा। उसके बाद गैप अप ओपन हो, नीचे जाने दो, फिर ऊपर जाने दो, जब ब्रेकआउट होगा तो आपका ब्रेकआउट के बाद ओपनिंग आप करोगे। तो सिंपली अगर मैं समझता हूँ 650 पे भी आपने एंट्री करी होगी, 650-60 पे भी, तो भी आपको लगभग यहाँ पे 200 पॉइंट से भी ज़्यादा का अप मूव देखने को मिला होगा। मैं यहाँ पे एक बार ड्राइव करता हूँ, ये 277 पॉइंट से भी ज़्यादा का अप मूव मिला बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी थोड़ा मूव दिया, बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा मूव दिया, तो ये एक प्लानिंग थी और ये प्री मार्केट के हिसाब से था। बट लाइव मार्केट में मैंने आपके लिए अपडेट भी किया था निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। तो शुरू में यहाँ पे देखिए गैप अप ओपनिंग, जैसे कि बताया गया था, बैंक निफ्टी डाउन मोर देन वन, यहाँ पे सेल ऑन राइज, बैंक निफ्टी का सेल ऑन राइज 970 पे मैंने मैसेज कर दिया कि बैंक निफ्टी आपको सेल ऑन राइज रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ 9:17 पे, तो सेल ऑन राइज 9:17 पे हो गया। तो जैसे ही ऊपर गई फिर नीचे आ गई, आपका शॉर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप अगर ऊपर जाने पे शॉर्ट कर रहे हो तो सीधे सीधे आपको यहाँ पे 150 पॉइंट से भी ज़्यादा, मतलब 170-180 पॉइंट का फॉल आपको यहाँ पे देखने को मिला। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रही होगी। ओके, देन उसके बाद मैंने बुक करने का मैसेज कर दिया और यहाँ पे 200 पॉइंट से भी ज़्यादा का फॉल हुआ। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे बुक करने का आया, प्री मार्केट के हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। ओके, प्री मार्केट के हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बन रहा था, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि बना बाद में था, जब ब्रेकआउट हुआ था उस टाइम तक ब्रेकआउट नहीं हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा मतलब कम हुआ यहाँ पे। अब बैंक हमने निफ्टी में भी सेल करने का बोला तो निफ्टी भी वहाँ से नीचे गया और उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके मैंने यहाँ पे सीधे सीधे कर दिया कि बुक कर लो जो भी मिल रहा है उसको। ओके, तो ये प्लानिंग थी हमारी आज के लिए, परफेक्ट गई। जो प्री मार्केट के ना एनालिसिस के हिसाब से जो एंट्री थी वो थोड़ी सी लेट मिली, बट यहाँ पे लाइव मार्केट मैंने आपको अपडेट किया। तो आप इसके साथ अगर जुड़े रहते हो सो आप डेफिनेटली इसको वॉच करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इसको ज्वाइन जरूर करिएगा। ओके, तो अब मैं बढ़ता हूँ कल के लिए हम क्या कर सकते हैं। बट कल के पहले थोड़ा सा मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि आप अगर मुझसे सीखना चाहते हो ये प्री मार्केट एनालिसिस और प्रेडिक्शन, ये सब जैसे करता हूँ डेटा देखना, तो आप मेरी अगली बैच जो कि शुरू हो रही है 5 अप्रैल से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसकी डिटेल मैंने यहाँ पे इस सीट में दे रखी है, आप इस वीडियो को पॉज करके देखिए ताकि आपको पता चल जाए। 5 अप्रैल से चालू होगी, इसमें इक्विटी सेगमेंट पर आपको ये सब सीखने को मिलेगा और F&O सेगमेंट में आपको ये सब सीखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ इसके बेनिफिट जो है आप इस यहाँ पर वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ जो इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं कि कब शुरू होगा, कितनी फीस होगी, फीस 5,000 की है, बहुत ही नॉर्मल फीस है, आप मुझसे जुड़ सकते हो, मेरे स्टूडेंट ग्रुप में आ जाओगे तो वहाँ पे काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा आपको। तो एक प्रॉपर एक सेटअप है, आप सीखिए, अच्छा लगे आपको तो ज्वाइन करिए, अदरवाइज आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट या फिर क्वेरी हो इस कोर्स के और क्लास के रिगार्डिंग तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको तुरंत आंसर कर दिया जाएगा। सो चलिए कल के लिए शुरू करते हैं। तो आपको मेरा फॉर्मेट पता है, मैं सबसे पहले डेटा देखता हूँ। तो डेटा अगर मैं देखूँ तो ऑप्शन चैन हमें यहाँ से पता चलता है, जो लोग नए हैं उनके लिए, कि भाई हमें
यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चलता है प्लस रेंज पता चलती है। तो यहाँ पे देखिए 17,000 का जो पुट का ओआई है वह सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे 17,000 हमारा सपोर्ट हो जाएगा। मैंने कल भी बताया था कि 17,000 हमारा सपोर्ट है, उसने सपोर्ट का काम किया। और मैंने ये भी बताया था कि अगर पुट का ओआई बढ़ने लगे तो समझो आपका मार्केट ऊपर रहेगा। एग्जैक्ट वही रहा, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज था, बट अल्टीमेटली आप अगर बुलिश पोजिशन में रहे होंगे तो आपको प्रॉफिट मिला होगा। ओके चलिए, तो यहाँ पे 17,000 का अभी भी सपोर्ट है, उसके बाद जो रेजिस्टेंस हमारा दिखाई दे रहा है वो 17,200 का दिखाई दे रहा है। तो 200 पॉइंट के हमें यहाँ पे रेंज मिल गई है। अब हम चेंज क्या देखेंगे, तो हम चेंज ये देखेंगे कल अगर मार्केट ऊपर जाने लगे तो 17,200 का पुट का ओआई बढ़ने लगे और कॉल का ओआई गिरने लगे तो समझो मार्केट आपका और ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर कल मार्केट नीचे जाने लगे और उस टाइम पे 17,100 का तथा 17,000 का ओआई अगर पुट वाला गिरने लगे और कॉल का ओआई जो कि 17,100 में है वो बढ़ने लगे, जो कि अभी है ऑलमोस्ट 63,95,350, तो अगर ये बढ़ने लगे तो आप समझोगे कि मार्केट आपका और नीचे जा सकता है। ओके, तो पुट का ओआई घटे कॉल का ओआई बढ़े तो मार्केट नीचे, कॉल का ओआई घटे पुट का ओआई बढ़े तो मार्केट ऊपर। अब ये कैसे पता चलेगा, तो ये फ्री वर्जन है, 15 मिनट आपको लेट मिलेगा, तो आप इसको 9:45-9:50 तक यहाँ पे देख सकते हो चेंज। तो जो चेंज ज्यादा हुआ होगा उसमें से आप उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो ये रहा हमारा ऑप्शन चेंज, 17,200 का रेजिस्टेंस, 17,000 का सपोर्ट। अब हम चलते हैं डेटा को देख लेते हैं, डेटा के साथ साथ हम चार्ट को देख लेते हैं। सो चार्ट अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक हायर हाई का पैटर्न बनाते हुए मार्केट ऊपर आया है, और अगर मैं देखूं तो एक राइजिंग वेज टाइप का पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। ओके, ये राइजिंग वेज टाइप का पैटर्न बना हुआ है। अब ये जो पैटर्न होता है ये बेयरिश पैटर्न है, लेकिन डेटा तो बुलिश है, तो इसमें पॉइंट ये होता है कि अगर जब तक इसके नीचे ना ब्रेक करे, ये ट्रेंड लाइन के नीचे ना ब्रेक करे, ओके राइजिंग वेज है, तो अगर इसके नीचे जब तक ना ट्रेड करे और उसके बाद एक लोअर लोस का फॉर्मेशन ना बने तब तक हम फर्दर बेरिश नहीं हो सकते। तो कल के लिए आप अगर प्राइस सेक्शन याद रखना चाहते हो तो आप ये रख सकते हो। तो 5 मिनट के चार्ट पे मैं कैश मार्केट डिस्कस कर रहा हूँ, कैश मार्केट का मतलब कैश का लेवल, निफ्टी के कैश का लेवल, आप उसको याद रखिए। सो अभी क्लोज हुआ है 17,106 पे, तो कल इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर जाए और लोअर लो का फॉर्मेशन बने देन उसके बाद जब नई सेलिंग आएगी तो आप वहां पे सेल कर सकते हो। ये कल के लिए प्राइस सेक्शन है, बट पर्टिकुलरली मैं एक्चुअली लेवल्स पे ज्यादा ट्रेड करता हूँ। तो लेवल्स को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे ये एरिया पूरा सपोर्ट का एरिया बन चुका है, तो जब तक ये एरिया नहीं टूटेगा तब तक हम फर्दर सेलिंग नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे भी एक रिस्क है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेफ एरिया लेंगे, जहाँ से पैनिक सेलिंग आएगी और लॉन्ग अनवाइंडिंग चालू हो जाएगी, वो लेवल है आपका 17,040। तो 1740, 17,040 के नीचे अगर मार्केट चला जाए और फिर पुल बैक दे देन उसके बाद आप शॉर्ट करोगे तो पहला आपका टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 16,950 का, 90 पॉइंट और 100 पॉइंट नीचे की आप यहां पे तैयारी कर लीजिएगा। लेकिन इसके ऊपर, तो इसके ऊपर आपको बाई करना है, जो कि आपका लेवल शुरू हो रहा है यहां से 1760 से लेकर के 1740, 1760 से लेकर के 40 तक आपको जो है कि बाई करना है। बट बाई कैसे करना है, तो मार्केट फ्लैट खुलेगा नीचे आएगा या फिर थोड़ा गैप डाउन भी होगा नीचे आएगा और यहां से कोई अगर रिवर्सल का साइन मिलेगा तब आप बाई करोगे एंड आपका पहला टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 17,130 और फिर इसके बाद 150 और 170 का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। 170 पे बुक कर लीजिएगा, उसके ऊपर ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो 170 पे आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। ओके, तो पहली प्लानिंग क्या है, पहली प्लानिंग है कि 17,1760 से लेकर के 1740 के बीच में बाइंग का रिवर्सल देख करके हम बाई करेंगे, टारगेट हमारा ऊपर की तरफ होगा। और अगर 1740 का रेंज टूट जाएगा तो स्टॉप लॉस लेकर के वहां से एग्जिट हो जाएंगे, ये चीज याद रखो। उसके बाद सेलिंग के लिए बैठ जाएंगे। बट अब इसमें दो चीज है, ऐसा तो नहीं कि आपका एक बार स्टॉप लॉस होगा बाइंग में, दूसरी बार आपका टारगेट होगा, तो ऐसा नहीं होता। देखो सिंपली क्या है कि अगर मार्केट को ये लेवल को रिस्पेक्ट करना होगा तो ये वहां पे आएगा, आराम से पुल बैक देगा, देन उसके बाद ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर इसको तोड़ना होगा तो सीधे सीधे एक ही कैंडल 5 मिनट के इसको तोड़ देगा। तो जब 1740 की रेंज एक ही 5 मिनट की कैंडल से टूट जाए तो सिंपली आपको वहां पे सेलिंग के लिए बैठना है, तो पुल बैक होगा, देन उसके बाद आप सेल करोगे तो आपका नीचे की तरफ टारगेट आपको पता है 90 पॉइंट से भी ज्यादा। तो ये प्लानिंग आपका रहेगा, इसके ऊपर पुल बैक मिलेगा तो बाई करना है, इसके नीचे सेल करना है। अब फर्दर मैंने आपको बताया था हमारा जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है निफ्टी में, वो चार्ट पैटर्न अभी भी वही चल रहा है जो मैंने आपको शुरू शुरू डिस्कस किया था अपने वीकली वाले में। ये देखिए, ये एक तरीके से
चार्ट पैटर्न आपका यहाँ पे सीधे सीधे अभी रेंज बाउंड चल रहा है पूरा मार्केट, तो मार्केट अभी भी रेंज बाउंड ही है। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप अगर चाहते हो तो कोई स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हो, वो भी ठीक ठाक है। तो यहाँ से मार्केट अभी भी रेंज बाउंड में ही है, तो मार्केट जब तक इस पूरी रेंज को नहीं तोड़ेगा तब तक फर्दर अपसाइड या फिर फर्दर डाउनसाइड हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और मैंने वीकली एनालिसिस में यह भी बताया था कि ये हमारा अभी का लो काम करेगा, जब तक ये नहीं टूटता है तब तक हम फर्दर बेरिशनेस के लिए तैयार नहीं रहेंगे। ओके, कल के लिए जो ऑप्शन जो FIS का जो डेटा था वो हाईएस्ट शॉर्ट पोजीशन थी, आज के दिन में थोड़ी सी शॉर्ट कवर हुई होंगी, बट डेटा देखा जाएगा, अगर पता चलेगा जैसा होगा। लेकिन फिलहाल मैं प्राइस सेक्शन और डेटा के बेस पे चल रहा हूँ, तो पॉइंट ये है कि अभी भी उनके शॉर्ट्स पोजीशन बने हैं, तो ज़्यादा फर्दर आप बुलिश नहीं हो सकते जब तक कि पूरी रेंज ना टूट जाए। वो रेंज क्या है, तो मेरे बुलिश होने की जो रेंज है वो रेंज है सीधे सीधे 17,200, जब तक 17,200 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज नहीं होगा और वहां पे उसके ऊपर वो रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर के सस्टेन नहीं करेगा प्लस टाइम स्पेंड नहीं करेगा, तब तक मैं फर्दर बुलिशनेस के लिए तैयार नहीं हूं। तो उसके नीचे सेल ऑन राइज और नीचे बाय द डिप, ये दोनों स्ट्रेटजी रहेगी और इसी के अंदर मार्केट आपका खेलेगा। ओके, फिर फेड का रिजर्व फेड की रेट मतलब फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आएगा तो कल के शाम को आएगा, परसों के लिए हमारा इंपैक्ट होगा तो हम देखेंगे, उसके बाद मंथली एक्सपायरी आ जाएगी तो फिर हम फर्दर देखेंगे जो डिस्कस आपके साथ किया जाएगा। बट अभी के लिए मार्केट आपका इसी रेंज में है, तो आप ये प्लान करके चलिए। ओके, तो मैंने आपको सेलिंग लेवल बता दिया, अब बाइंग का लेवल मैंने नीचे बताया था, बट ऊपर का बाइंग का लेवल क्या होगा, तो देखिए ऊपर के बाइंग लेवल को आप ही आप रहने दीजिए, क्योंकि ऊपर के साइड में बाई करवा के आपको फंसाने नहीं चाहता, सिंपल सी बात है। आप वेट करो, अगर मुझे दिखेगा तो मैं अपने यहाँ पे अपडेट करता हूँ, आप इसको फॉलो करो। ये 200 पॉइंट छोटे मोटे नहीं होते, बड़े टारगेट होते हैं। आप 200 पॉइंट का अगर कैप्चर कर लेते हो, 100 पॉइंट भी कैप्चर करोगे तो आपका ATM के स्ट्राइक में 50 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओके, तो ये सब आप इसको लेके चलिए नीचे के साइड। अब मैं बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लूँ, तो बैंक निफ्टी में आपका लेवल रहेगा, पहले इसके प्राइस सेक्शन को समझो, इसमें थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हुई, जैसा कि मैंने बताया था कि इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी, यहाँ पे देखिए शॉर्ट कवरिंग हुई। ओके, अब ये जो है ये पूरा सपोर्ट का काम करेगा, तो ये एरिया पूरा सपोर्ट का काम करेगा, बट मैं एक्चुअली क्या करूंगा, मैं इसमें देखूंगा कि मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है, मैं बाई कहाँ पे करूंगा, कहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ। तो सिंपल सी बात है, मैं बाई करने के लिए तैयार रहूंगा इस लेवल पे जो कि है, अगर ये बैंक निफ्टी नीचे आएगा तो इस एरिया में मैं एक बार यहाँ पे बाई करने का प्लान करूंगा, जो कि क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका एक तरीके से रेजिस्टेंस का लेवल था, ऊपर गया और उसके बाद इसी एरिया को सपोर्ट लेकर के फिर से पुल बैक दे रहा है, तो ये एरिया अभी भी सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये नहीं काम करेगा तो टूट जाएगा, फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा तो हम सेलिंग करेंगे, ये चीज हमारा प्राइस सेशन एकदम याद करके रखो। लेकिन हम बाइंग कैसे करेंगे, तो हमारा बाइंग करने का जो लेवल होगा वो लेवल होगा ये वाला, सॉरी, जो कि शुरू हो रहा है 39,707 से, मतलब 39,700 समझ लो, 700, हाँ 700, 39,700 लेकर के 39,650, मतलब 50 पॉइंट की रेंज हमारी है, यहाँ पे हम बाइंग करेंगे। बट बाइंग कैसे करेंगे, हमारी कंडीशन है, मार्केट फ्लैट खुलेगा, नॉर्मल खुलेगा, थोड़ा साइडवेज भी खुलेगा, तो नीचे आने दो, यहाँ पे कोई बाइंग का रिवर्सल देने दो। अब जो लोग नए हैं उनको नहीं पता होगा बाइंग का रिवर्सल क्या होता है, तो ऐसे पैटर्न बनते हैं, एक आपका दोजी टाइप कैंडल बनेगा, फिर आपका एक बुलिश कैंडल बनेगा, यहाँ पे देख रहे हो ये सब, ये पैटर्न जो है ये सब रिवर्सल के पैटर्न है, तो ऐसे पैटर्न अगर बनेंगे यहाँ पे तो हम बाई करेंगे, लेकिन कब, जब ये एक ग्रीन कैंडल बन जाएगी उसका लो स्टॉप लॉस और फिर हमारा टारगेट, तो यहाँ पे हम बाइंग करेंगे इसके बाद। अगर कोई रिवर्सल का साइन नहीं बनता है तो बाइंग नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, वेट करो प्राइस के मूव होने का ऊपर की तरफ दिशा में, तभी हमें बाइंग करना है। तो सिंपली जब रिवर्सल मिलेगा तो हम बाइंग करेंगे और पहला टारगेट हमारा हो जाएगा सीधे सीधे 39,960 का, और सीधे सीधे 40,000 भी चले जाएगा, बट 40,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो वहां पे एक बार जाकर के आप प्रॉफिट बुक जरूर करिएगा। ये पॉइंट हो गया नीचे की तरफ बाई करने का। सेल कैसे करेंगे, तो सेल करने के लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे जो कि हमारा 39,500 का लेवल है। अब ये देखिए 39,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो जब तक ये 500 नहीं टूटेगा तब तक फर्दर सेलिंग नहीं आएगा, तो इसके बीच में आपको कुछ नहीं करना है, शांति से बैठे रहना है, कोई जरूरत नहीं है फालतू ट्रेड करने की। तो 39,500 के नीचे जब क्लोज होगा अगर, तो हम इसके नीचे जाने पे फिर पुल बैक आएगा, तब हम शॉर्ट करेंगे, तो हमारा 39,300-39,200 का टारगेट मिलेगा, ये चीज आप मान के चलिए। तो 39,500 के नीचे आपको शॉर्ट करना है, इसके यहाँ पे ये जो रेंज है हमारी इस पे बाई करना है, और ऊपर आप फिलहाल बाई करने का छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे देखो जो 40,000 का लेवल अभी आ गया ना, तो 40,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ओके, तो अगर 40,000 के आसपास आए तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, ओके यही है, ओके चलिए कोई बात नहीं। सो सिंपली आप यहाँ पे एक चीज कर सकते हो, कल के दिन, कल के दिन अगर आपको बाई करना भी है तो आप सिंपली इसको ऊपर जाने दो,
खुलने दो, गैप अप खुला थोड़ा सा, ऊपर साइडवेज खुला तो ऊपर जाने दो, नीचे आने दो, फिर उसके बाद जब ब्रेकआउट होगा तब आप बाई करना, जो कि मेरी साइकोलॉजी, जो कि मेरा लेवल है आपको पता है, मैं सिंपली वही करता हूँ। गैप अप हो गया तो मैं तुरंत बाई नहीं करूंगा, नीचे जाने दो, फिर जब अगेन उस रेंज का ब्रेकआउट होगा तब मैं बाई करूंगा, जो कि आज के दिन हुआ था। तो सिंपली इसको ऊपर जाने दो, नीचे आने दो, फिर उसके बाद जब ब्रेकआउट होगा तब आप बाई करोगे। यहां से ये कंफर्मेशन मिलती है कि जो बुल्स हैं वो स्ट्रांग है, वो अपने प्राइस को कंट्रोल में लेके ऊपर जा रहे हैं। तो ये तीन प्लानिंग है बैंक निफ्टी की, और अभी के लिए इतना ही। और अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कोई डाउट हो कन्फ्यूजन हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।